दोस्तों, भारत की बढ़ती ताकत से चीन और पाकिस्तान बिलबिला उठे हैं। भारत का डंका दुनिया में बजते देख चीन और पाकिस्तान के कान फटने लगे हैं। यही कारण है कि चीन की जिनपिंग सरकार और पाकिस्तान की शाहबाज सरकार अब भारत को डराने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश है पाकिस्तान को तुर्की के स्टेल्थ फाइटर जेट कॉन और चीन के J-31 स्टेल्थ फाइटर जेट से लैस करना। हालांकि ये अलग बात है कि पाकिस्तान और चीन की ये नाकाम कोशिश कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन भारत चीन और पाकिस्तान की फितरत को अच्छे से जानता है, लिहाजा भारत भी एक ऐसे फाइटर जेट की तलाश शुरू कर चुका है जो ताकत और रेंज में तुर्की के कान और चीन के J-31 से टक्कर ले सके, उन्हें मुनहतो जवाब दे सके, जो मल्टी यूज हो, जो युद्ध की स्थिति में दुश्मन का वो हाल कर दे जो दुश्मन ने कभी सोचा भी ना हो। लिहाजा अब अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन जैसे देश भारत के सामने अपने बेहतरीन फाइटर जेट को लेकर पेश हो रहे हैं। भारत के सामने एक से बढ़कर एक फाइटर जेट सामने आ रहे हैं, और दोस्तों, इसी क्रम में भारत को अमेरिका ने एक ऐसे फाइटर जेट का ऑफर दिया है जो ताकत और रेंज दोनों में राफेल का भी बाप है, जो चीन और पाकिस्तान के पास से भी गुजरेगा तो इनकी धड़कनें बढ़ जाएंगी। यानी ये एक शानदार मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जिसकी तलाश भारत लंबे वक्त से कर रहा था, और इस बीच अमेरिकी कंपनी बोइंग अपने एक फाइटर जेट का ऑफर भारत को दिया है। बोइंग ने कहा कि हमसे नया F-15EX फाइटर जेट लीजिए, कम कीमत पर ज्यादा ताकतवर फाइटर जेट मिलेगा, साथ ही भारतीय वायुसेना इसमें अपने हथियार लगा सकती है, हमारे हथियारों को लगाने की बाध्यता नहीं होगी। यानी आप कितने भी हथियार लगा लो, बोइंग ने यह भी कहा है कि भारत के भौगोलिक स्थितियों और जरूरतों के हिसाब से फाइटर जेट में तब्दीली भी की जा सकती है। यानी चीन और पाकिस्तान से सटे पहाड़ी इलाके में उतारने के लिए भारत इस फाइटर जेट में बदलाव भी कर सकता है। अमेरिका ने कहा है कि जिस तरह की जरूरत भारत को होगी हम वैसा बदलाव फाइटर जेट में कर देंगे। ये बदलाव एवियोनिक्स, सेंसर्स या कम्युनिकेशन सिस्टम में किए जा सकते हैं, साथ ही हथियार लगाने वाले हार्ड पॉइंट्स को भी भारतीय हथियारों के हिसाब से बदला या नया किया जा सकता है। ये ऑफर भारत सरकार के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये फाइटर जेट वास्तव में कितना ताकतवर है। दोस्तों, हाल ही में बोइंग कंपनी ने अपने इस फाइटर जेट की स्पीड को बढ़ाया है। पहले यह मात्र 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से उड़ान भर सकता था, लेकिन अब यह बढ़कर 3704 किलोमीटर प्रति घंटे हो चुकी है। यानी पलक झपकते ही गायब हो जाएगा। इस जेट को एक या दो पायलट मिलकर उड़ाते हैं। आकार में यह काफी बड़ा है, 63.9 फीट लंबे जेट का विंग स्पैन 42.9 फीट है। 18.6 फीट ऊंचे इस विमान का खाली वजन करीब 15,694 किलोग्राम रहता है। अधिकतम टेक ऑन ऑफ वजन यानी हथियारों से लैस होकर उड़ान भरते समय इसका वजन करीब 36,741 किलोग्राम होता है। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के दो इंजन लगे हैं जो इसे 131 किलो न्यूटन की ताकत देते हैं। F-15EX की कॉम्बैट रेंज 1272 किलोमीटर है। अगर फेरी रेंज की बात करें तो यह तीन एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स के साथ 3,900 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यह अधिकतम 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। यह 50,000 फीट प्रति मिनट की गति से सीधी उड़ान भर सकता है। इसमें फिलहाल 20 mm की एक कैनन लगी है जो प्रति मिनट 500 गोलियां दागती है। इसके अलावा इसमें 23 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी हथियारों का पूरा जखीरा लगा सकते हैं। ये हार्ड पॉइंट्स विंग्स पाइलॉन के नीचे, फ्यूसलेज पाइलॉन, बॉम्ब रैक्स के नीचे रहते हैं। इस जेट में आप 12 मिसाइलें लगा सकते हैं, यानी हवा से हवा में मार करने वाली तीन तरह की मिसाइलें। इसके अलावा हवा से सतह में मार करने वाली तीन मिसाइलें और दो तरह के बम लगाने की सुविधाओं से लैस है। इसमें रेथियन का AESA राडार लगा है, टारगेटिंग पॉड्स हैं, काउंटर मेजर सिस्टम लगाए गए हैं। अगर राफेल से तुलना करें तो F-15EX फाइटर जेट आकार में बड़ा है। यह भारतीय वायुसेना के Su-30MKI के बराबर ताकत, रेंज और स्पीड वाली क्षमता रखता है। Su-30MKI में फिलहाल 22 तरह के हथियार लगाने की क्षमता है, जिसमें हाइपरसोनिक हथियार भी शामिल हैं।
तो दोस्तों, आपके विचार से भारत को ये विमान खरीदना चाहिए या नहीं, जो भी आपके विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।